देशासाठी बलिदान देणाऱ्या जवान व त्यांच्या कुटुंबियांचा देश कायम ऋणी राहील असे भावोद्गार सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी विजय कातोरे यांनी नाशिक शहरातील देवळाली कॅम्प परिसरात आयोजित पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या वीर जवानांच्या श्रद्धांजली कार्यक्रमात व्यक्त केले आहेत. भारत मातेच्या संरक्षणासाठी व देशाची अखंडता टिकवण्यासाठी बलिदान देणाऱ्या वीर जवानांचे व त्यांच्या कुटुंबियांप्रती देशातील नागरिक कायम ऋणी राहतील असे प्रतिपादन सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी विजय कातोरे यांनी केले आहे. नक्षत्र सोसायटीच्या प्रवेशद्वाराजवळ आदर्श सैनिक संस्थेच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा भागात CRPFच्या ताफ्यावर झालेल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्याला 14 फेब्रुवारी रोजी 2 वर्ष पूर्ण झाले. या घटनेतील शहीदांच्या बलिदानाची आठवण म्हणून या जवानांसाठी एक दिया देशभक्तो के नाम या अभिवादनपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सेवानिवृत्त अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर PV उपाध्याय, कॅप्टन आसाराम राठोड, हवालदार जगन्नाथ शिरसाट, हवालदार श्रीहरी दळवी, हवालदार DB कुटे, हवालदार जगदेव सिंग, अक्षय एडके, श्रेयस फडणीस, विनायक गोडसे, अशोक गोडसे, रावसाहेब तांबे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी प्रास्ताविकातून सेवानिवृत्त नायक दीपचंद यांनी शहीदांचे स्मरण करत राहणे हे आपल्या संस्थेचे उद्दिष्ट असून हेच खरे देशाचे हिरो असून त्यांच्या बलिदानामुळे देश सुरक्षित असल्याचे सांगितले. शूरवीरों का दिन है जिन्होंने 40 सैनिकों ने हमें 2 साल पहले शहादत हो गई थी. हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति दे. और हम आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम इस दुख की घड़ी में भी उनके साथ में हैं और जब तक इस शरीर में सांसें हैं हम उनके साथ में रहेंगे. अंत में मैं सभी को अपने जितने भी सूरवीर हैं हृदय की गहराइयों से उनको नतमस्तक नमन करता हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. इंकलाब जिंदाबाद. इंकलाब मायने नहीं रखता. फौजी के लिए राष्ट्रहित देशभक्ति सबसे पहले होती है. क्यों होती है कि एक फौजी जब अपना बच्चा बीमार होता है ऐसे कई बार हम अपने बच्चे यहाँ पे जितने भी फौजी इन्होंने अपना बच्चा बीमार होते हुए भी उनको घर में छोड़ के ड्यूटी पे गए. 2017 में मेरा खुद मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था. पूरा परिवार मेरा था, फैमिली वगैरह सारे हॉस्पिटल में एडमिट थे लेकिन मेरी लीव एक्सटेंड नहीं हुई. अगले 2 दिन बाद मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला गया. आप लोग अगर ड्यूटी पे जाते हो अगर आपको घर से फ़ोन आता है कि माँ बीमार पड़ गई, बाप बीमार पड़ गया या बच्चा बीमार पड़ गया, आप उसी टाइम छुट्टी लेके अपने बच्चे के पास आ जाते हैं. लेकिन ये फौजी कभी नहीं आ पाता. ऐसे कई जो अनुभव है ये सारे जितने भी यहाँ खड़े एक सर्विस मैन है सबके साथ ये घटनाएँ हुई है लेकिन ये कभी भी अपने जो दुख दर्द है ये कभी भी जनता के सामने नहीं लाते. अगर हमने जनता के सामने लाया तो फिर हम फौजी कहने के लायक नहीं है. हमारे खून में सिर्फ देशभक्ति है. हमें किसी चीज़ की पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ हम देश का सम्मान कैसे बढ़ाएंगे, हमारे से ज़्यादा देश सेवा कैसे हो सकती है, हम वो करने की कोशिश करेंगे. लोग समाज सेवा के नाम पे क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं. अगर कहीं जाएंगे किसी के हाथ में एक केला पकड़ाएंगे और 4 लोग उसका फ़ोटो निकाल लेंगे. समाज सेवा वो नहीं होती. अगर आपके दिल में समाज सेवा है, आपको समाज सेवा करना है, उसकी पब्लिसिटी मत करो. बिना पब्लिसिटी किए भी समाज सेवा हो सकती है. हमने भी किए लेकिन हमने कभी उस चीज़ की पब्लिसिटी नहीं की. आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे. हम कहीं जाहिर भी नहीं करेंगे कि हमने क्या किया है देश के लिए. हम वो करते भी रहेंगे. आज इन शहीदों को हम यहाँ पर नमन करने के लिए आए. इनका जो त्याग है, जो बलिदान है, इसके लिए हम सर्वत्र हमेशा इनके आभारी रहेंगे और देश भी हमेशा इनका कर्जदार रहेगा कि इन्होंने देश के लिए अपनी जान दी. यावेळी पुलवामा हल्ल्यातील 40 शहीदांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करण्यात येऊन उपस्थितांच्या हस्ते मेणबत्ती हाती घेत दीप प्रज्वलन करण्यात येऊन शहीदांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार कॅप्टन आसाराम राठोड यांनी मानले. ब्युरो रिपोर्ट, जनमत मराठी न्यूज, देवळाली कॅम्प, नाशिक. Thank you.